सीजन 11 आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी अब खत्म हो चुकी है और सभी टीमों ने अपने पर्स में रखी बजट के अनुसार अपनी टीम बनाई है। ऑक्शन समाप्त हो जाने के बाद सभी फ्रेंचाइजी के पास अब जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो ये कि आखिर वो किसे टीम की कमान सौंपेंगे। चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सी टीम अपने किस खिलाड़ी को कप्तान बना सकती है। नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके की कमान पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। नंबर 2, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी की अगुवाई भारतीय कप्तान विराट कोहली ही करेंगे। नंबर 3, कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर के पास इस बार कोई बड़ा चेहरा नहीं है, ऐसे में दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण और रॉबिन उथप्पा के बीच में से किसी को कप्तानी दी जा सकती है। नंबर 4, किंग्स 11 पंजाब। प्रीति जिंटा की किंग्स 11 ने इस बार काफी बड़े खिलाड़ियों को खरीदा है। युवराज सिंह, क्रिस गेल, डेविड मिलर और आर अश्विन जैसे दिग्गज इसी टीम के पास है। उम्मीद की जा रही है कि इन्हीं खिलाड़ियों में से किसी को कप्तानी भी मिल सकती है। नंबर 5, दिल्ली डेयरडेविल्स। दिल्ली की टीम में घरेलू खिलाड़ी गौतम गंभीर की वापसी हुई है। टीम के मेंटोर रिकी पोंटिंग ने भी संकेत दिए हैं कि गंभीर ही हमारे कप्तान हो सकते हैं। नंबर 6, सनराइजर्स हैदराबाद। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर की कप्तानी में टीम ने आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। इस सीजन भी टीम की कमान उनके ही हाथों में जा सकती है। नंबर 7, राजस्थान रॉयल्स। उम्मीद की जा सकती है कि स्टीव स्मिथ ही राजस्थान रॉयल्स की कमान संभालेंगे। नंबर 8, मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस टीम की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में ही रहेगी। रोहित की अगुवाई में टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और 3 बार खिताब जीता है।